नमस्कार दोस्तों, जीनियस कट्टा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे पर्यावरण रिलेटेड प्रमुख प्रश्नों। आजकल पर्यावरण से संबंधित सवाल विभिन्न एग्जामों में पूछे जा रहे हैं और दिन ते दिन उसका वेटेज बढ़ता ही जा रहा है। इसकी वजह से पर्यावरण इस सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंट देना आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। चलो तो फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल है, वन संरक्षण अधिनियमन कब बना? वन संरक्षण अधिनियमन कब बना? आंसर है 1980 में। 1980। इससे रिलेटेड और भी विभिन्न एक्ट यहाँ हमने दिए हैं, हम वो अभी देखेंगे। सबसे पहला है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। 1972। उसके बाद है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, और उसकी अमेंडमेंट हुई थी 1988 में। 1988। उसके बाद है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट। ध्यान में रखिए फ्रेंड, ये सेस एक्ट है 1977 का। सेस एक्ट 1977। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। उसके बाद है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पर्यावरण संरक्षण कायदा 1986। उसके बाद है रिसाइकल प्लास्टिक मैन्युफैक्चर एंड यूजेज रूल 1999। रिसाइकल प्लास्टिक मैन्युफैक्चर एंड यूजेज रूल 1999। उसके बाद है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। बायोडाइवर्सिटी एक्ट। बायोडाइवर्सिटी एक्ट ये इंट्रोड्यूस हुआ था पार्लियामेंट में 2000 में और पास हुआ था 2002 में। इसके वजह से फ्रेंड नंबर ऑफ टाइम्स आपको ये कंफ्यूज होगा किसका ईयर कौन सा ध्यान में रखना है। अगर एग्जाम में 2000 आता है वो भी सही है, अगर 2002 आता है वो भी सही है, वहाँ देखना कि कौन सा उन्होंने दिया हुआ है। बायोडाइवर्सिटी एक्ट इसका इंट्रोडक्शन हुआ था 2000 में, इसकी वजह से समटाइम्स उसको बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2000 बोलते हैं, और वो पार्लियामेंट में पास हो गया था 2002 में, इसकी वजह से समटाइम्स बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 लिख के आता है। इसकी वजह से दो ही एक्ट एक ही है, ध्यान में रखिए फ्रेंड्स। उसके बाद है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण 2010। 2010 ध्यान में रखिए। उसके बाद का सवाल है, किस वृक्ष को पर्यावरणीय संकट माना जाता है? किस वृक्ष को पर्यावरणीय संकट माना जाता है? आंसर है यूकेलिप्टस। क्या आंसर है? यूकेलिप्टस। पर्यावरण की सुरक्षा मूल कर्तव्य है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? ये हुआ संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है? ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आंसर है अनुच्छेद 51A। अनुच्छेद 51A और संशोधन था 42। कौन सा था? 42वां संशोधन। उसके बाद है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? आंसर है भोपाल। कहाँ है? भोपाल में। वन अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ है? डेहराडून में। कहाँ है? डेहराडून। उसके बाद और भी डिफरेंट इंस्टीट्यूट हम देखेंगे। पहला है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह है डेहराडून में। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट डेहराडून। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग कोयम्बतूर। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग कोयम्बतूर। इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेंगलुरु। इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेंगलुरु। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि जबलपुर में स्थित है। उसके बाद है रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोरहाट। रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोरहाट। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर। हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला। हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला। उसके बाद है इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी रांची। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी रांची।
भारत की प्रथम वन नीति का निर्माण हुआ था 1894 में। भारत की प्रथम वन नीति का निर्माण हुआ था 1894 में। गेंडा संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई? गेंडा संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई? 1987 में। 1987। उसके बाद और भी प्रोजेक्ट जो प्राणियों से रिलेटेड है यह हमने दिए हुए। सबसे पहला है प्रोजेक्ट हंगुल। प्रोजेक्ट हंगुल कब शुरू हुआ था? 1970 में। 1970 प्रोजेक्ट हंगुल। उसके बाद है फ्रेंड प्रोजेक्ट टाइगर 1973। 1973 प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल 1975। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल 1975। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992। प्रोजेक्ट स्नो लियोपार्ड 2009। प्रोजेक्ट स्नो लियोपार्ड 2009। सभी फ्रेंड्स ध्यान में रखिए, एग्जाम में जोड़िया लगाने के लिए पूछा जाता है। प्रोजेक्ट हंगुल 1970, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल 1975, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, प्रोजेक्ट स्नो लियोपार्ड 2009। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके संबंधित है? आंसर है 1987 में हुआ था ओजोन परत के संरक्षण से। ओजोन लेयर का जो संरक्षण करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में। वेन्ना समझौता कब हुआ? वेन्ना प्रोटोकॉल कब हुआ? 1985। 1985 वेन्ना प्रोटोकॉल। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? 1992 में रियो डी जानेरियो। रियो डी जानेरियो जो कि ब्राजील में स्थित है, इसको वसुंधरा परिषद भी कहा जाता है। 1992 क्योटो प्रोटोकॉल संधि किस वर्ष से लागू की गई? क्योटो प्रोटोकॉल संधि किस वर्ष से लागू की गई? 2005। कब लागू की? 2005। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस किस सम्मेलन में घोषित किया गया? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस किस सम्मेलन में घोषित किया गया? आंसर है स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कैलाश शांखला। कैलाश शांखला को। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। भारत में पारिस्थितिकी के जनक कौन है? भारत में पारिस्थितिकी के जनक कौन है? डॉक्टर रामदेव मिश्रा। डॉक्टर रामदेव मिश्रा। उसके बाद है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 16 सितंबर। आंसर है 16 सितंबर। फ्रेंड पर्यावरण से रिलेटेड इम्पोर्टेंट डेज यह हमने यहाँ दिए हुए हैं जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला है 2 फेब्रुआरी वर्ल्ड वेटलैंड डे। 2 फेब्रुआरी वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। उसके बाद है 28 फेब्रुआरी नेशनल साइंस डे। 28 फेब्रुआरी नेशनल साइंस डे। 3 मार्च वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। 3 मार्च वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। 20 मार्च वर्ल्ड स्पैरो डे। 20 मार्च वर्ल्ड स्पैरो डे। 21 मार्च वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे वर्ल्ड वुड डे। 21 मार्च वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे वर्ल्ड वुड डे। 22 मार्च वर्ल्ड वाटर एंड सैनिटेशन डे। 22 मार्च वर्ल्ड वाटर एंड सैनिटेशन डे मनाया जाता है। मार्च 23 वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। 23 वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। और वर्ल्ड रिसोर्स डे भी 23 मार्च को मनाया जाता है। 7 अप्रैल जागतिक आरोग्य दिवस। 7 अप्रैल जागतिक आरोग्य दिवस। 10 अप्रैल जागतिक वातावरण दिवस। जागतिक वातावरण दिवस। 18 अप्रैल वर्ल्ड हेरिटेज डे। जागतिक वारसा दिवस। 18 अप्रैल जागतिक वारसा दिवस। 22 अप्रैल जागतिक वसुंधरा दिवस। 22 अप्रैल जागतिक वसुंधरा दिवस। 3 मे इंटरनेशनल एनर्जी डे। 3 मे इंटरनेशनल एनर्जी डे।
8 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड, जो स्थलांतरित पक्षी रहते उनका दिवस मनाया जाता है 8 मई को। 22 मई वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। 23 मई वर्ल्ड टर्टल डे, 23 मई वर्ल्ड टर्टल डे। 5 जून जागतिक पर्यावरण दिवस, 5 जून जागतिक पर्यावरण दिवस। 8 जून जागतिक समुद्र दिवस, 8 जून जागतिक समुद्र दिवस। 17 जून वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन एंड रॉट, 17 जून वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन एंड रॉट। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है, 1 जुलाई से लेके 7 जुलाई तक। उसके बाद है 11 जुलाई जागतिक जनसंख्या दिवस, 11 जुलाई जागतिक जनसंख्या दिवस। 26 जुलाई इंटरनेशनल मैंग्रोव डे, 26 जुलाई इंटरनेशनल मैंग्रोव डे। उसके बाद है 29 जुलाई वाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। उसके बाद है 12 अगस्त वर्ल्ड एलिफेंट डे, हाथी दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। 16 सितंबर ओजोन दिवस मनाया जाता है, जो कि सवाल में था। उसके बाद है 1 अक्टूबर से लेके 7 अक्टूबर तक वाइल्ड लाइफ वीक, 1 अक्टूबर से लेके 7 अक्टूबर तक वाइल्ड लाइफ वीक। 24 अक्टूबर इंटरनेशनल डे ऑफ क्लाइमेट एक्शन, 24 अक्टूबर इंटरनेशनल डे ऑफ क्लाइमेट एक्शन। 14 नवंबर वर्ल्ड एनर्जी कंजर्वेशन डे, 14 नवंबर वर्ल्ड एनर्जी कंजर्वेशन डे। 5 दिसंबर को जागतिक मृदा दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर। उसके बाद है फ्रेंड्स, भारत में सर्वाधिक रेडियोधर्मी प्रदूषण कहाँ पाया जाता है, भारत में सर्वाधिक रेडियोधर्मी प्रदूषण कहाँ पाया जाता है? आंसर है केरल में, कहाँ? केरल में। सौर विकिरण पृथ्वी पर प्राप्त होती है, सौर विकिरण पृथ्वी पर प्राप्त होती है? आंसर है विद्युत चुंबकीय लघु तरंगों के रूप में। सौर विकिरण पृथ्वी पर कैसे प्राप्त होती है? विद्युत चुंबकीय लघु तरंगों के रूप में। पर्यावरण का रक्षा कवच है ओजोन लेयर, पर्यावरण का रक्षा कवच है ओजोन लेयर। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं, भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन को। क्या है आंसर? हाइड्रोजन। सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य है? 33%। कितना आंसर है? 33%। चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? वनों की सुरक्षा। क्या है? वनों की सुरक्षा। इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ स्थित है? आंसर है देहरादून। कहाँ है? देहरादून। भारतीय वन प्रबंध संस्थान कहाँ है? भोपाल में, जो हमने देखा है। भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है? भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश। कहाँ है? मध्य प्रदेश। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा किस प्रदूषण को मापने के लिए की जाती है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, आंसर है जल प्रदूषण, आंसर है जल प्रदूषण। फ्रेंड्स, 3 डिमांड होती है, एक होती है TOD, एक होती है COD और एक होती है BOD। TOD का फुल फॉर्म होता है थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड, TOD का फुल फॉर्म होता है थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। COD का फुल फॉर्म होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, COD का फुल फॉर्म होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और BOD का फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। फ्रेंड्स, ध्यान में रखिए, TOD कभी भी ग्रेटर देन होता है COD और COD ग्रेटर देन होता है BOD। ये रिलेशन ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, नंबर ऑफ एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है। TOD ग्रेटर देन COD और COD ग्रेटर देन BOD, ध्यान में रखिए। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र, जिसको NIRI कहा जाता है, यह नागपुर महाराष्ट्र में, नागपुर महाराष्ट्र।
वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? नाइट्रोजन। भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? 1980, 1980 में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? आंसर है नैरोबी, केनिया। नैरोबी, केनिया। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? आंसर है पांडा। क्या आंसर है? पांडा। ये देखो फ्रेंड्स, पांडा। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड। भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है? आंसर है मध्य प्रदेश। क्या आंसर है? मध्य प्रदेश। वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? आंसर है के एम मुंशी। क्या आंसर है? के एम मुंशी। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष कहाँ पर स्थित है? विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? आंसर है सीएफसी। क्या आंसर है? सीएफसी, क्लोरो फ्लोरोकार्बन, क्लोरो फ्लोरोकार्बन। भूतल पर सीएफसी का प्रयोग कहाँ होता है? ध्यान में रखिए फ्रेंड, नंबर ऑफ एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है। पहला है फ्रैंकन डिस्पेंसर, उसके बाद है एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, हेयर स्प्रे, शेविंग क्रीम, और विविध सौंदर्य प्रसाधनों में सीएफसी का उपयोग किया जाता है। रेड डेटा बुक का संबंध किससे है? रेड डेटा बुक का संबंध किससे है? विलुपित के संकट से ग्रस्त जीवों से। रेड लिस्ट पब्लिश करता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यह हमने दिया हुआ है, इसमें विभिन्न प्रकार किए हैं। सबसे पहला है ऑल स्पेसिज, इसमें नॉट वैल्यूटेड, डेटा डिफिशियंट, उसके बाद नियर थ्रेटन, लिस्ट कंसर्न, अभी वल्नरेबल है, कुछ सालों में उसका इन डेंजर में जा सकता है, ये है वल्नरेबल। उसके बाद इन डेंजर, सबसे खतरनाक क्रिटिकली इन डेंजर, उसके बाद एस्टिन इन द वाइल्ड, और जिसका नामो निशान कुछ भी नहीं मिला और नाम शेष हो गया, वो है एस्टिन, वो है एस्टिन। क्रिटिकली एंडेंजर यानी कुछ साल में वो नामशेष हो सकता है, उसको कहते हैं क्रिटिकली एंडेंजर। ताजमहल के पीले पड़ने तथा उसके क्षरण होने का मुख्य कारण क्या है? आंसर है अम्लीय वर्षा। आंसर है अम्लीय वर्षा। पारिस्थितिकीय तंत्र की संकल्पना किसने दी? पारिस्थितिकीय तंत्र यानी इकोसिस्टम की संकल्पना किसने दी? आंसर है टास्ले ने। आंसर है टास्ले ने। पारिस्थितिकी इकोलॉजी का कंसेप्ट किसने दिया? अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल, पारिस्थितिकी इकोलॉजी। पारिस्थितिकीय निश, इकोलॉजिकल निश, जोसेफ ग्रिनल। जोसेफ ग्रिनल, पारिस्थितिकीय निश, जोसेफ ग्रिनल। हरित विकास का लेखक कौन है? हरित विकास, ग्रीन डेवलपमेंट का लेखक कौन है? डब्ल्यू एम एडम्स, डब्ल्यू एम एडम्स। वायु में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? आंसर है 78%। आंसर है 78%। फ्रेंड्स, नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है, ऑक्सीजन की होती है 21%, ऑर्गन की होती है 0.9%, ऑर्गन 0.9%, और अदर गैस की मात्रा होती है 0.1%। कभी कभी एग्जाम में डिटेल भी पूछा जाता है कि जो ट्रेस गैस है, यहाँ जो 0.1% दिखाई जा रहा है, उसके बारे में भी सवाल आता है। तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 93.49%, 93.49%। उसके बाद नियॉन की होती है 4.6%, नियॉन की होती है 4.6%। उसके बाद हीलियम की होती है 1.2%, हीलियम की होती है 1.2%। उसके बाद मीथेन की होती है 0.44%, मीथेन की होती है 0.44%। उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड की होती है 0.078%,
नाइट्रस ऑक्साइड की होती है 0.078%, ओजोन की होती है 0.01%, 0.01%। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? एम्स्टर्डम नीदरलैंड में, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। और भी विभिन्न संस्था के हेडक्वार्टर पूछे जाते हैं, वो हमने यहाँ दिए हुए हैं। सबसे पहला है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन न्यूयॉर्क। उसके बाद है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिनीवा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिनीवा। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जिनीवा, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जिनीवा। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन पेरिस, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन पेरिस। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वियना। उसके बाद फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रोम, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रोम। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी अबूधाबी, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी अबूधाबी। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर ग्लैंड स्विट्जरलैंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर ग्लैंड स्विट्जरलैंड। उसके बाद इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ग्लैंड स्विट्जरलैंड। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मोनूमेंट्स एंड साइट, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मोनूमेंट्स एंड साइट पेरिस फ्रांस, पेरिस फ्रांस। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम नैरोबी केनिया, नैरोबी केनिया। यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जिनीवा स्विट्जरलैंड, जिनीवा स्विट्जरलैंड। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम न्यूयॉर्क यूएसए, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम न्यूयॉर्क यूएसए। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रोम इटली, रोम इटली। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन माद्रिद स्पेन, माद्रिद स्पेन। यूएन हैबिटेट, यूएन हैबिटेट नैरोबी केनिया, कहाँ है? नैरोबी केनिया। उसके बाद है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम रोम इटली, रोम इटली में स्थित है। पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण उत्पादों के लिए कौन सा प्रमाण पत्र दिया जाता है? पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण उत्पादों के लिए कौन सा प्रमाण पत्र दिया जाता है? आंसर है इकोमार्क, आंसर है इकोमार्क, जो कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा दिया जाता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा दिया जाता है। ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का हॉलमार्क है ये। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है ये हॉलमार्क किसका है, ये BIS का है। उसके बाद एगमार्क का ऐसा है, एगमार्क ये जो ऐसा दिख रहा है ये एगमार्क का है। उसके बाद ISI इंडियन स्टैंडर्ड, ये ISI मार्क। उसके बाद है FPO, FPO का ये है, ध्यान में रखिए फ्रेंड्स। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? आंसर है रियो डी जानेरियो 1992 में। इसका नाम था, जो अर्थ समिट हुई थी इसका नाम था द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट 1992, अर्थ समिट 1992, जो कि ब्राज़ील में हुई थी रियो डी जानेरियो में। उसके बाद हुआ फ्रेंड वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रियो 10 कहा जाता है, जो कि 2002 में हुई थी जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका। वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रियो 10 जो हुई थी 2002 में कहाँ हुई थी? जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका। उसके बाद है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रियो 20 रियो 2012 में हुई थी, रियो 2012 में हुई थी रियो 20।
यार समित में फ्रेंड्स एजेंडा 21 रिओ डिक्लेरेशन द स्टेटमेंट ऑफ फॉरेस्ट प्रिंसिपल यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उसके बाद यूनाइटेड नेशन कॉन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और सबसे लास्ट यूनाइटेड नेशन कॉन्वेंशन टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन। ये सभी इंपॉर्टेंट कानूनों को सैंक्शन किया गया था। क्या नाम है? एजेंडा 21, रिओ डिक्लेरेशन, द स्टेटमेंट ऑफ फॉरेस्ट प्रिंसिपल, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन कॉन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन कॉन्वेंशन टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन। रिवॉर्ड समिट 1992 यूएनएफसीसी से बना क्योटो प्रोटोकॉल, कॉप 21 पेरिस एग्रीमेंट, उसके आगे निकल गए इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। इसमें ये संकल्पना आगे आ चुकी इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन पेरिस के एग्रीमेंट में। उसके बाद कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इससे रिलेटेड है कार्टाजिना प्रोटोकॉल, नागोया प्रोटोकॉल, कार्टाजिना प्रोटोकॉल और नागोया प्रोटोकॉल। उसके बाद आ गए आईची बायोडायवर्सिटी टारगेट्स। एक मनुष्य के जीवन को पूर्णता धारणीय करने हेतु पर्याप्त न्यूनतम भूमि को क्या कहा जाता है? आंसर है पारिस्थितिकीय पदछाया, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। दो भिन्न समुदाय के बीच का संक्रांति का क्षेत्र को क्या कहते हैं? इकोटोन। उसके बाद है पारिस्थितिकीय तंत्र में तत्व का चक्रण किस नाम से जाना जाता है? आंसर है जैव रासायनिक चक्र। यह किस आंदोलन का नारा है? पारिस्थितिकीय स्थायी मितव्ययिता है। आंसर है चिपको आंदोलन। गिद्धों की संख्या में आई भारी कमी के कारण कौन सा रसायन है? डिक्लोफिनेक। क्या आंसर है? डिक्लोफिनेक। भारत में जैव विविधता के हॉटस्पॉट कौन से है? आंसर है पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट। जैव विविधता के संदर्भ में हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? आंसर है नॉर्मन मायर्स। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी थी? जोसेफ फोरियर। नम भूमि के संरक्षण से संबंधित सम्मेलन कौन सा था? आंसर है रामसर सम्मेलन। कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 में रामसर कन्वेंशन। फ्रेंड सबसे पहले हुआ था स्टॉकहोम कन्वेंशन 1972, स्टॉकहोम समिट हुई थी 1972 में और वहाँ 26 प्रिंसिपल और वहाँ स्टॉकहोम डिक्लेरेशन हुआ था जिसमें 26 प्रिंसिपल थे और यही उसके बाद ही फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम हुआ। उसके 20 ईयर बाद रियो समिट हो गई 1992 में रियो डी जानेरियो ब्राज़ील में। यहाँ 27 प्रिंसिपल थे रियो डिक्लेरेशन ने। यहाँ रियो फॉरेस्ट प्रिंसिपल भी सैंक्शन किए गए। इसमें कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, एजेंडा 21 एंड कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन, ये सभी इम्पोर्टेंट कानून सैंक्शन किए गए। फ्रेंड्स यहाँ एजेंडा 21 है, ये 21 का मीनिंग था 21 सेंचुरी। उसके बाद 20 ईयर के बाद हो गई रियो 20 2012 में रियो डी जानेरियो ब्राज़ील में। इसमें डॉक्यूमेंट पब्लिश हुआ द फ्यूचर वी वांट, रिवर 20 समिट डॉक्यूमेंट द फ्यूचर वी वांट। इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सैंक्शन किए गए। और ग्रीन इकोनॉमी के रिलेटेड गाइडलाइंस जारी कर दी। फ्रेंड्स यहाँ हमने विभिन्न एग्रीमेंट कन्वेंशन दिए हैं
और उनका ईयर एडोप्टेशन का दिया हुआ है। सबसे पहला है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC 1992। क्योटो प्रोटोकॉल टू द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 1997। वेन्ना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजन लेयर, वेन्ना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजन लेयर 1985। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंस दैट डिप्लेट द ओजन लेयर, सबसे पहला वेन्ना कन्वेंशन हो गया रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ ओजन लेयर 1985 में। उसके बाद हो गया दो साल के बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेज दैट डिप्लेट द ओजन लेयर 1987 में। बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992। कार्टाजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, कार्टाजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी 2001, कब हुआ था 2001 में। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा 1973। बॉर्न कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पेसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल, बॉर्न कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पेसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल 1979। एग्रीमेंट ऑन द कंजर्वेशन ऑफ ब्लैक सी मेडिटेरियन एंड कॉन्टिजियस अटलांटिक सी, उसके बाद एग्रीमेंट ऑन द कंजर्वेशन ऑफ बैट्स इन यूरोप 1991। कंजर्वेशन कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस स्पेशली ऑन वाटर फ्लो हैबिटेट 1971। इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव, इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव 1995। केमिकल एंड हजार्डस वेस्ट कन्वेंशन, केमिकल एंड हजार्डस वेस्ट कन्वेंशन। बेसल कन्वेंशन ऑन द कंट्रोल ऑफ ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट एंड एयर डिस्पोजल 1989। रॉटरडैम कन्वेंशन ऑन द प्रायर इनफॉर्म कंसेंट प्रिंसिपल फॉर द सर्टन हजार्डस केमिकल एंड पेस्टिसाइड इन इंटरनेशनल ट्रेड, हजार्डस केमिकल एंड पेस्टिसाइड रॉटरडैम कन्वेंशन 1998। स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन POP परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटन, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन POP परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटन 2001। कार्बन क्रेडिट की विचारधारा किस संधि के बाद से सामने आई, कार्बन क्रेडिट की विचारधारा किस संधि के बाद से सामने आई, आंसर है क्योटो प्रोटोकॉल। क्या है आंसर, क्योटो प्रोटोकॉल। फ्रेंड यहाँ हमने इम्पोर्टेंट क्लाइमेट समिल दिए हुए जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहली थी 1992 में UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उसके बाद 1997 COP3 क्योटो, क्योटो प्रोटोकॉल इमिशन रिडक्शन से रिलेटेड, उसके बाद 2007 में हो गई बाली में, बाली रोड मैप जारी किया गया COP13 बाली, 2009 में हो गई COP15 कोपनहेगन एग्रीमेंट, COP16 हो गई कैनकुन में, वहाँ कैनकुन एग्रीमेंट पब्लिश किए गए 2010, COP16 कैनकुन, COP17 दरबन, यहाँ दरबन प्लेटफॉर्म था दरबन, 2012 COP18 दोहा अमेंडमेंट पब्लिश हो गई 2012 में, 2013 वारसा, 2016 मरकारेश, द पेरिस एग्रीमेंट केम इन टू इफेक्ट 2016 में, मरकारेश में हो गई COP22, यहाँ पेरिस एग्रीमेंट इफेक्ट में लाए गए, 2015 में हो गई COP21 पेरिस में, COP21 पेरिस, 2014 में हुई थी लिमा में कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर ग्लोबल एग्रीमेंट, 2017 में हो गई COP23 फिजी में हुई थी और हेल्डिन बॉन, उसके बाद COP24 कॉटोवाइस रूल ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट 2018, COP24 कॉटोवाइस, 2019 COP25 चिली, बट कहाँ हुई वो मैड्रिड में, कहाँ हुई थी मैड्रिड में,
जुगाली करते समय पशुओं के मुंह से कौन सी गैस निकलती है? जुगाली करते समय पशुओं के मुंह से कौन सी गैस निकलती है? आंसर है मीथेन। आंसर है मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? आंसर है न्यूजीलैंड। आंसर है न्यूजीलैंड। ओजोन परत मुख्यतः वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत मुख्यतः वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर। समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर। भारत में वनों की सर्वाधिक प्रतिशतता वाला राज्य कौन सा है? भारत में वनों की सर्वाधिक प्रतिशतता वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम। अगर फ्रेंड सर्वाधिक वन पूछा जाता है तो वो है मध्य प्रदेश, और परसेंटेज में पूछा जाता है तो वो है मिजोरम। वो है मिजोरम। भारत में मैंग्रोव का सबसे बड़ा क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? भारत में मैंग्रोव का सबसे बड़ा क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? आंसर है पश्चिम बंगाल सुंदरवन। आंसर है पश्चिम बंगाल सुंदरवन। अपना वन अपना धन योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई थी? अपना वन अपना धन हिमाचल प्रदेश। क्या आंसर है? हिमाचल प्रदेश। वन एवं अन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? आंसर है अमृता देवी स्मृति पुरस्कार। आंसर है अमृता देवी स्मृति पुरस्कार। भारत में साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक स्थान कौन सा है? आंसर है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। अधूरे प्रज्वलन द्वारा मोटर कार और सिगरेट से निकलने वाली गैस कौन सी है? अधूरे प्रज्वलन द्वारा मोटर कार और सिगरेट से निकलने वाली गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। फ्रेंड्स वायु प्रदूषण के लिए प्राइमरी पोल्यूटन और सेकेंडरी पोल्यूटन रहते हैं। उसमें से प्राइमरी पोल्यूटन कौन से है और सेकेंडरी पोल्यूटन कौन से है, इससे रिलेटेड विभिन्न एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। इसकी वजह से ये जानना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्राइमरी पोल्यूटन वो होते हैं जो कि डायरेक्ट नेचुरल सोर्स से आते हैं, जैसे कि वोल्केनोज, मोबाइल सोर्सेज, कार से आते हैं, स्मोक से आते हैं। सेकेंडरी पोल्यूटन वो होते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन ऑफ प्राइमरी पोल्यूटन एटमॉस्फेयर में हो जाती है, तो दैट टाइम सेकेंडरी पोल्यूटन होते हैं। प्राइमरी पोल्यूटन के एग्जाम्पल है पार्टिकल मैटर PM10, पार्टिकल मैटर। उसके बाद नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। उसके बाद है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। सेकेंडरी पोल्यूटेंट है सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद है ओजन। फ्रेंड सेकेंडरी पोल्यूटन ध्यान में रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड और ओजन। ओजन भी फ्रेंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। उसके बाद है सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण किस उद्योग के मलबे से होता है? सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण किस उद्योग के मलबे से होता है? आंसर है चमड़ा उद्योग। आंसर है चमड़ा उद्योग। सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा किसकी देन है? आंसर है ब्रेटलैंड आयोग। आंसर है ब्रेटलैंड आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फ्रेंड सबसे पहले थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, सबसे पहले थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। उसके बाद आ गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। दोनों के रिलेटेड एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। पहला मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था इराडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। दूसरा था अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। तीसरा था प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन। तीसरा था प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन। चौथा था रिड्यूस चाइल्ड मॉर्टेलिटी, रिड्यूस चाइल्ड मॉर्टेलिटी। पांच नंबर का था इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ। छः नंबर का था कॉम्बैट HIV एड्स मलेरिया एंड अदर डिसीज, HIV एड्स और मलेरिया से रिलेटेड। छः नंबर का था।
उसके बाद था इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, पर्यावरणीय शाश्वतता, पर्यावरणीय शाश्वतता इंश्योर करना 7 नंबर था। और सबसे लास्ट इम्पॉर्टेंट था ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। ये हो गए फ्रेंड्स मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। उसके बाद देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सबसे पहला है नो पावर्टी, गरीबी होना ही नहीं, पहला उद्देश्य। दूसरा है नो हंगर, नो हंगर। तीसरा है गुड हेल्थ, गुड हेल्थ। उसके बाद है क्वालिटी एजुकेशन, उसके बाद है 4 नंबर क्वालिटी एजुकेशन। 5 नंबर है जेंडर इक्वालिटी, 5 नंबर है जेंडर इक्वालिटी। 6 नंबर है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। 7 नंबर है क्लीन एनर्जी, 7 नंबर है क्लीन एनर्जी। 8 नंबर है गुड जॉब्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, 8 नंबर है गुड जॉब्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। 9 नंबर है इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, 9 नंबर है इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 10 नंबर है रिड्यूस इनइक्वालिटीज, रिड्यूस इनइक्वालिटीज। 11 नंबर है सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटीज, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज 11 नंबर। उसके बाद है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन 12 नंबर, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन 12 नंबर। प्रोटेक्ट द प्लैनेट 13 नंबर, वातावरण से रिलेटेड 13 नंबर प्रोटेक्ट द प्लैनेट। उसके बाद है लाइफ बिलो वाटर, लाइफ बिलो वाटर 14 नंबर, लाइफ बिलो वाटर। 15 नंबर है लाइफ ऑन लैंड, 15 नंबर है लाइफ ऑन लैंड। 16 नंबर है पीस एंड जस्टिस, 16 नंबर है पीस एंड जस्टिस। 17 नंबर है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, 17 नंबर और अंतिम है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। फ्रेंड्स ये सभी इम्पोर्टेंट गोल्स है, ध्यान में रखिए, इससे रिलेटेड जोड़ियाँ लगाने के लिए सवाल पूछे जाते हैं। इस अब हम देखेंगे इसके की फीचर्स, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में नंबर ऑफ गोल्स थे 8, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में है 17, इसमें थे 8, इसमें है 17। उसके बाद नंबर ऑफ टारगेट्स, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में 18 थे, इसमें है 169। उसके बाद नंबर ऑफ इंडिकेटर्स, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में थे 48, कितने थे 48, और इसमें है 230, कितने हैं 230। ध्यान में रखिए फ्रेंड्स 8, 18, 48, इसमें है 17, 169, 230। ये है पहले गोल्स 8, 17, उसके बाद है टारगेट्स 18 और 169, यह है 148 इंडिकेटर्स, यह है 230 इंडिकेटर्स। इसके बाद ज्योग्राफिकल कवरेज है डेवलपिंग कंट्रीज ओनली, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का कवरेज था डेवलपिंग कंट्रीज, यह है ऑल कंट्रीज। इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन 2000 से लेके 2015 तक था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2016 से लेके 2030। डिलीवरी फोकस पावर्टी रिडक्शन, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का डिलीवरी फोकस था पावर्टी रिडक्शन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का ब्रॉड है ग्लोबल डेवलपमेंट विथ एंड फॉर सस्टेनेबिलिटी। फ्रेंड्स यहाँ हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए हुए जो कि पर्यावरण से संबंधित है। पहला है फूड चेन। फ्रेंड्स फूड चेन में नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल होते हैं। यहाँ हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है प्लांट, प्लांट को खाते हैं हर्बीवर, प्लांट हो गया प्राइमरी प्रोड्यूसर। उसके बाद यहाँ जो हर्बीवर हो गया ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर। उसके बाद हर्बीवर को खाने के लिए कार्निवर जो रहता है मांसाहारी वो है सेकेंडरी कंज्यूमर। उसके बाद कार्निवर हो गया टर्शरी कंज्यूमर, और इसको भी खाने वाला जो रहता है वो हो गया क्वार्टनरी कंज्यूमर। हर एक अन्न चेन में डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल रहती है। फ्रेंड्स यहाँ आपको दिख रहा है कि हर एक जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसको कहते हैं फूड वेब, इसको कहते हैं फूड वेब। यानी इस पे डिपेंड, ये जो है ये ट्री पे भी डिपेंड है, ये इस पे भी डिपेंड है, ये जो है ये इस पे डिपेंड है, ये भी इस पे डिपेंड है, ये जो है इस पे भी डिपेंड है, इस पे भी डिपेंड है। उसके बाद है फ्रेंड्स एनर्जी पिरामिड, एनर्जी पिरामिड ध्यान में रखिए।
अगर प्राइमरी प्रोड्यूसर को 100% ऊर्जा मिलती है तो उसको खाने वाले प्राइमरी कंज्यूमर को उसके 10% मिलेंगी। उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर को प्राइमरी कंज्यूमर के 10% मिलेंगी और इसको 10%, उसको उससे 10%, यानी ओनली 10% ऊर्जा आगे बढ़ती जाएंगी। ओनली 10% प्राइमरी प्रोड्यूसर को जब 100 मिलेंगी तो आगे वाले प्राइमरी कंज्यूमर को ओनली 10% ऊर्जा मिलेगी उससे, ध्यान में रखिए फ्रेंड्स। उसके बाद है फ्रेंड बायोमैग्निफिकेशन, जैव संचयीकरण। फ्रेंड्स अगर यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है कि वाटर में अगर 0.00003 ppm अगर पॉइजनस है तो जू प्लैंकटन जो खाते है उसमें चलता है वो 0.04 ppm, उसको खाने वाले फिश को वो जहर चढ़ता है 0.5 ppm, यानी बढ़ते जाता है। बायोमैग्निफिकेशन में जहर का बढ़ जाता है, बायोमैग्निफिकेशन में जहर बढ़ते जाता है, इसको कहते हैं विस्तारीकरण और संचयीकरण। उसके बाद लार्ज फिश ने अगर स्मॉल फिश को खाया तो उसमें 2 ppm हो जाएगा, अगर उच्च मछली को किसी बड़ी पक्षियों ने खाया तो उसमें 25 ppm हो जाएगा। तो इसके वजह से इसमें विष का जो दर है वो बढ़ते ही रहता है, इसको कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। बट एनर्जी के बारे में अगर आप कंपेयर करते हो तो एनर्जी में कम होते जाता है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो तो एनर्जी कम कम होती जाती है, बट बायोमैग्निफिकेशन में जो विष का संचय होता है वो बढ़ते जाता है। उसके बाद है बायोटिक इंटरैक्शन, बायोटिक इंटरैक्शन इफेक्ट ऑन एक्स, यानी पहला व्यक्ति उसके बाद दूसरा उसका है एग्जांपल। सबसे पहला है न्यूट्रलिज्म, न्यूट्रलिज्म में दोनों पे भी कोई भी इफेक्ट नहीं गिरता है, वोल्स एंड लाइकेन किसी को भी कोई भी इफेक्ट गिरता नहीं। उसके बाद है अमेंसालिज्म, पहले इस पे कोई भी इफेक्ट गिरता नहीं है, दूसरे पे इफेक्ट निगेटिवली गिरता है। अमेंसालिज्म में पहला जो व्यक्ति रहेगा उस पे 0 इफेक्ट गिरता है, दूसरा जो पात्र रहेगा उसमें निगेटिवली इफेक्ट गिरता है। पेनिसिलियम एंड बैक्टीरिया, पेनिसिलियम पे कुछ भी इफेक्ट नहीं गिरता है, बैक्टीरिया निगेटिव इफेक्ट होता है, बैक्टीरिया पर निगेटिवली इफेक्ट होता है। उसके बाद है कमेंसालिज्म, कमेंसालिज्म में पहला जो पात्र है उसको बेनिफिट होता है, दूसरे को उसका बेनिफिट भी होता नहीं, लॉस भी होता नहीं। आंसर है टाइगर और गोल्डन जैकल, गोल्डन जैकल को बेनिफिट मिलता है, टाइगर को उसका कुछ भी नहीं होता। उसके बाद है कॉम्पिटिशन, स्टार कर लीजिए फ्रेंड, कॉम्पिटिशन में दोनों को लॉस होता है, कॉम्पिटिशन में दोनों को लॉस होता है, एग्जाम्पल है लॉयन एंड चित्ता। उसके बाद म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म में दोनों को बेनिफिट मिलता है, ये इसके दोनों के विरुद्ध है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के विरुद्ध है। म्यूचुअलिज्म में दोनों को बेनिफिट मिलता है तो कॉम्पिटिशन में दोनों का लॉस होता है। पॉलिनेशन बिटवीन इंसेक्ट्स एंड फ्लावर म्यूचुअलिज्म, दोनों को भी बेनिफिट मिलता है। प्रेडेशन और पैरासिटिज्म एक को बेनिफिट मिलता है, दूसरे को हार्मफुल होता है, प्रेइंग मैंटिस और बुम्बिली। उसके बाद है फ्रेंड यूट्रोफिकेशन, फार्म में जो फर्टिलाइजर होता है वो बारिश की वजह से समुद्र में आते हैं, समुद्र में आने के बाद इसमें खतों की मात्रा बढ़ती है, खतों की मात्रा बढ़ने की वजह से अलगी बूम हो जाती है, अलगी ज़्यादातर मात्रा में बढ़ती है, इसकी वजह से समुद्र में ये जो है इसका ये बढ़ जाती है। ज़्यादा पैमाने पर बढ़ने के बाद यहाँ जो फिश रहती है इनको सफोकेशन शुरू हो जाता है, ऑक्सीजन मिलना कम हो जाता है, सूर्य की जो किरणें हैं वो नीचे पहुँचती नहीं, इसकी वजह से फिश सफोकेशन होकर मर जाती है, फिश सफोकेशन होकर मर जाती है, इसको कहते हैं यूट्रोफिकेशन। उसके बाद देखेंगे फ्रेंड नॉइज़ लेवल लिमिट, कैटेगरी ऑफ एरिया, लिमिट्स इन डेसिबल, डे टाइम और नाइट टाइम। डे टाइम होता है 6 बजे से लेके 10 बजे तक और नाइट टाइम होता है रात के 10 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक।
सबसे पहला एरिया है इंडस्ट्रियल एरिया, सबसे पहला एरिया है इंडस्ट्रियल एरिया, डे टाइम लिमिट है उनकी 75 dB, 75 dB और नाइट टाइम 70 dB डेसिबल, डीबी यानी डेसिबल। उसके बाद है कमर्शियल एरिया 65 dB, 55 dB, डे टाइम में होता है 65 और नाइट टाइम में होता है 55। उसके बाद है रेसिडेंशियल एरिया, रेसिडेंशियल एरिया होता है 55 डे टाइम पे, नाइट टाइम पे होता है 45। उसके बाद साइलेंस जोन शांत क्षेत्र, दिन के टाइम में होता है 50 dB और नाइट टाइम में होता है 40 dB। ध्यान में रखिए फ्रेंड, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है फ्रेंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। सिंपल कंसेप्ट है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का, मीनिंग ये है कि अगर सपोज एक एक प्रोजेक्ट है, अगर इस प्रोजेक्ट से पर्यावरण को 100% हानि हो रही है तो उसको रिड्यूस करके उसके हानि को 50% तक लाना है, इसको बोलते हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। उसमें मॉडलिंग करना और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस निकाल के जितना हो सके उतना एनवायरमेंटल का जो लॉस है वो कम करना, इसको कहते हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। इसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी मैकेनिज्म ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल, फ्लेक्सिबिलिटी मैकेनिज्म ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल। इसमें तीन ऑप्शन दिए हुए थे क्योटो प्रोटोकॉल में, ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन यानी दो डेवलप कंट्री एक दूसरों में कोऑपरेट करके अपना गैस इमिशन रिडक्शन करे, उसको कहते हैं ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन आर्टिकल 6। उसके बाद है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, एकाधे डेवलप कंट्रीज ने डेवलपमेंट कंट्री को कुछ तभी मदद करनी चाहिए जिसके वजह से उस कंट्री में उसका रिडक्शन कम हो सके, जिसके वजह से डेवलपिंग कंट्री उनके देश में इमिशन कम कर सके, यह है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। उसके बाद है इंटरनेशनल इमिशन ट्रेडिंग, अगर किसी डेवलप कंट्रीज ने ज़्यादा इमिशन कर दिया तो जिस कंट्री ने कम इमिशन कर दिया इनकी तरफ से कार्बन क्रेडिट लेना, इसमें इंटरनेशनल इमिशन ट्रेडिंग में आता है। उसके बाद देखेंगे कुछ पार्टिकल और सब्सटेंस और उससे रिलेटेड रोग। सबसे पहला है मिनामाटा रोग, मिनामाटा ये होता है मिथिल मर्क्यूरी से, किससे होता है मिथिल मर्क्यूरी। उसके बाद है इताई इताई, उसको आउच आउच डिसीज भी कहा जाता है, ये होता है कैडमियम से, किससे होता है कैडमियम से, इताई इताई डिसीज। उसके बाद है ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट से होता है, किससे होता है नाइट्रेट से, ब्लू बेबी। स्केलेटल फ्लोरियोसिस, स्केलेटल फ्लोरियोसिस फ्लोराइड से होता है, किससे होता है फ्लोराइड से। उसके बाद है ब्लैक फूड डिसीज, ब्लैक फूड डिसीज होता है आर्सेनिक से, किससे होता है आर्सेनिक ब्लैक फूड डिसीज। निमोकोनियोसिस, निमोकोनियोसिस लंग डिसीज, इनहेलेशन ऑफ कोल्ड डस्ट, लंग डिसीज होता है इनहेलेशन ऑफ कोल्ड डस्ट निमोकोनियोसिस। माइंड में जो लोग वर्क करते हैं उनको निमोकोनियोसिस होता है। उसके बाद है एस्बेस्टोसिस, ये होता है एस्बेस्टोस से। उसके बाद सिलिकोसिस, ये होता है सिलिका से, सिलिकोसिस सिलिका से। ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मिनामाटा मर्क्यूरी से, इटाई इटाई कैडमियम से, ब्लू बेबी नाइट्रेट से, स्केलेटल फ्लोरियोसिस फ्लोराइड से, ब्लैक फूड आर्सेनिक से। फ्रेंड्स ब्लू बेबी डिसीज और ब्लैक फूड डिसीज में नंबर ऑफ टाइम्स कंफ्यूज होता है, अगर बेबी आता है तो नाइट्रेट रख देना, बेबी आता है तो नाइट्रेट्स और फूट आता है तो आर्सेनिक, फूट आता है तो आर्सेनिक, ब्लैक फूड डिसीज आर्सेनिक और बेबी आ गया तो नाइट्रेट्स, ध्यान में रखिए फ्रेंड्स। तो इसी प्रकार आज हमने पर्यावरण से रिलेटेड प्रमुख प्रश्न देखे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अंत में तो मैं यही कहूँगा, जहाँ ना पहुँचा राशन वहाँ पहुँचा दो मेरा भाषण, जिसके वजह से इसका बेनिफिट सबको मिले। थैंक यू।